then beta, we will move ahead with the discussions with it. So dear children, regarding the rules, let me first of all count the basic rules for counting all the significant figures beta. The very first rule is that beta, in a non zero number, all the digits are beta significant. All the digits are significant beta. What do we mean by this rule, or what this rule convey to us is that suppose we have the number 7, 2, 3, 4. ये सारे के सारे digits बेटे जो हैं, these are non-zero. So in this case, number of significant figures will be beta 4. Second rule हमारे पास है बेटा, जैसे ये जो आप digits देख रहे हैं, इन digits के बीच में अगर कोई zero आ जाए, मान लीजिए यहाँ पे zero आ जाता है, that becomes beta significant. So I should rather say that beta, the again in a non in a number rather I should write beta in a number the zeros in between the non-zero digits in between the non-zero digits are significant. मतलब क्या हुआ बेटे इसका, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल बेटे ले लेता हूं, इमेजिन कर लीजिए 7, 2, 0, 0, 3, 4 यही नंबर मैंने पिक कर लिया, बट इसके मिडल में मैंने दो जीरोस अटैच कर दी, तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 and 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स आपके जो हैं ये बेटे हो जाएंगे. दिस इज व्हाट दिस रूल कन्वेज टू अस बेटे. तीसरी बात है बेटा, अगर इस नंबर के पीछे जीरोस आ जाती हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं है बेटा. इन ए नंबर अदर देन डेसिमल नंबर, मतलब ये डेसिमल नंबर नहीं होना चाहिए और कोई भी नंबर हो जाए, अदर देन डेसिमल नंबर द ट्रेलिंग जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट. मीनिंग क्या हुआ बेटा, अगेन मैं यही पिक करूंगा 7, 2, 3, 4, इसके पीछे जितनी मर्जी आप जीरोस अटैच कर लीजिए बेटा, इट दी जीरोस विल नॉट बी सिग्निफिकेंट, विल नॉट बी काउंटेड एज सिग्निफिकेंट फिगर्स. 1, 2, 3, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स इन दिस केस विल बी 4 ओनली. लेकिन इस केस में एक बेटा स्पेशल सिचुएशन भी है, अगर यही नंबर, ध्यान से सुनिएगा पुत्र, अगर यही नंबर किसी मेजरमेंट से आए, मतलब इसके साथ कोई यूनिट लिखा हुआ हो, तो ये सिग्निफिकेंट होगी बेटा. सो इफ दिस नंबर, कौन सा नंबर, ये वाला 7, 2, 3, 4, 0, 0, 0, 0 मीटर लिख देता हूं मैं, कम्स फ्रॉम सम मेजरमेंट, तो फिर ये जीरोस जो हैं, दीज आर सिग्निफिकेंट बेटा. देन द ट्रेलिंग जीरोस, ट्रेलिंग जीरोस आर सिग्निफिकेंट. इसका मतलब हुआ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारी बेटे 8 के बराबर हमें मिल गई. डियर चिल्ड्रन, इसके साथ ही मैं एक और रूल आपको बताना चाहूंगा ताकि हमें इनके बीच में कोई भी कंफ्यूजन ना हो जाए. जब आप एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में ट्रांसफर करते हो यूनिट्स का, जैसे एसआई सिस्टम है उससे सीजीएस में चले गए या किसी और में चले गए, तो आप सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं बदल सकते. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा, द नंबर
ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स डज नॉट चेंज इफ वी चेंज द सिस्टम ऑफ यूनिट्स. बेटा सिस्टम ऑफ यूनिट्स अगर आप बदलोगे तो आपका जो है नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स बेटे इनमें कोई भी चेंज नहीं आएगा. देन बेटे डियर चिल्ड्रन सिक्स रूल हमारे पास है, अगर आपका नंबर लेस देन वन हो इन ए नंबर लेस देन वन द जीरोज टू द राइट ऑफ डेसिमल एंड टू द लेफ्ट ऑफ नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट. व्हाट डू वी मीन बाय दिस स्टेटमेंट बेटा, लेट मी अगेन मेक इट क्लियर. 0.0004628 कोई नंबर मान लो, ये नंबर क्लियरली वन से छोटा है बिकॉज जीरो पॉइंट समथिंग है, तो ये डेसिमल पॉइंट से राइट साइड में जीरोज हैं. जीरोज टू द राइट ऑफ द डेसिमल ये वाली, एंड टू द लेफ्ट ऑफ द नॉन जीरो ये, तो ये जीरोज के बारे में बात की गई है. दीज आर बेटे नेवर सिग्निफिकेंट. सो आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर्स इस केस में बेटे सिर्फ चार होंगी, 1, 2, 3, 4. और साथ ही साथ हमेशा एक बात याद में रखिए, अगर ये नंबर वन से बड़ा हो जाए तो ये सिग्निफिकेंट हो जाएंगी. अगर मैं यहाँ पे वन की जगह 10 लिख दूं, मान लीजिए आप रूल को अकॉर्डिंगली अमेंड करके या बदल के समझ सकते हो कि अगर ये लिखा था ना नंबर लेस देन जीरो हो, सॉरी वन हो, अगर नंबर आपका वन से बड़ा हो जाए जैसे 10.0004628 हो जाए तो ये सारी जीरो सिग्निफिकेंट हो जाएंगी. इट विल बी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 सिग्निफिकेंट फिगर्स विल बी बेटा 9 इन टोटल. और एक रूल और है बेटा, आपके डेसिमल नंबर में ट्रेलिंग जीरोस जो हैं दीज आर सिग्निफिकेंट. आपके डेसिमल नंबर में नॉन जीरो डिजिट्स के बाद जितनी भी जीरोस आ जाया करती हैं दीज आर बेटे ऑल सिग्निफिकेंट. सो लेट मी बेटा राइट अगेन रूल नंबर 8. नंबरिंग आप कर सकते हैं, नंबरिंग में कुछ भी नहीं रखा हुआ. इन ए डेसिमल नंबर, इन ए डेसिमल नंबर द जीरोज टू द राइट ऑफ नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट. मतलब क्या हुआ बेटा, जैसे मान लीजिए 0.00064280000 है, तो रूल नंबर आपने 6 लिखा था उसके हिसाब से ये तो सिग्निफिकेंट नहीं है, इनको काउंट नहीं करेंगे हम, लेकिन ये वाली जीरो सिग्निफिकेंट हैं अकॉर्डिंग टू दिस रूल बिकॉज वी आर कॉन्फिडेंट अबाउट द प्लेसेस और द डिजिट्स इन विच वी आर डीलिंग. बेटा सिग्निफिकेंट फिगर्स विल बी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बेटा इन दिस केस. सो अगर मैं फिर वही एग्जांपल रिपीट करूंगा, अगर मैं यहाँ पे 1 लगा दूं बेटा, 1.0000648000, तो सारा कुछ ही काउंट हो गया क्योंकि नंबर अब आपका जो है ये अदरवाइज आपका 1 से बड़ा हो गया है, ये 1 से छोटा नंबर था. यहाँ पे 2 रूल्स आपके लग रहे थे, यहाँ पे सिर्फ यही रूल लगेगा. सो यू हैव 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 सिग्निफिकेंट फिगर्स आपकी 12 आ जाएंगी. सो दिस इज बेटे हाउ वी आर टू प्रोसीड विद. सो दिस वाज जस्ट द रिकैपिटुलेशन ऑफ ऑल द रूल्स बेटा. डियर चिल्ड्रन आई कैन सी ऑल द स्टूडेंट्स विद मी. अगर आप लोगों को बेटे ये रूल्स आपने एक बार दो बार देख लिए हैं तो शुड आई कंटिन्यू विद द एग्जांपल्स
corresponding to the significant figure calculations beta. Okay, nice beta. Thank you, thank you. मैं कुछ आपके लिए बेटे numbers लिख के लाया था, तो आइए ये different rules apply करें और significant figures को बच्चों count करके देखें कि कितने significant figures हमारे इस rules के set के accordingly हम निकाल सकते हैं या workout कर सकते हैं जब हमें बेटा जरूरत पड़ेगा as such बेटे. So आइए बेटे एक बार फिर से देखें इन रूल्स को अप्लाई करके देखें रादर. आई हैव फ्यू एग्जांपल्स विद मी. बेटे मैं नंबर्स लिख रहा हूं, आप साथ साथ काउंट करिएगा, देन मैं भी काउंट करूंगा, आप फिर अपना रिजल्ट मैच कर लेना. दिस इज फर्स्ट इज 6 पॉइंट, सॉरी नहीं पॉइंट नहीं है, 600900. आप अपना लिखते जाइए, कुछ नहीं लिखना, मैसेज नहीं कोई करना आपने. 25300, देन इट इज 648700. फोर्थ 400 meter. फिफ्थ 7785. सिक्स 5212.0. 7 it is 978.850. then bete 8 this is 984.06. aap apna karte chale jayenge, I will also be writing in the end. 9 mere paas hai 426.071. 10 मेरे पास है 6.032. 11 आई हैव 0.0631. 12 विद मी 0.0007. 13 इट इज 0.0050. 14th 9.1, 10 days per minus 31. 15 0.0001, नहीं और जीरो नहीं है, 6032. So these are the digital values or the values as such we have to calculate or count the number of significant figures with. आइए मैं काउंट करके लिखता हूं, आप अपना आंसर मैच करिएगा. इसमें आपका जो बिल्कुल पहले नंबर दिया गया है ये जीरोस काउंट नहीं होंगी, सिग्निफिकेंट फिगर्स विल बी 1 2 3 4 ओनली बेटे. एंड इट इज अगेन सच ए नंबर, ये वाली काउंट नहीं होगी, 1 2 एंड 3, सिग्निफिकेंट फिगर्स विल बी 3 ओनली. सेम टाइप का नंबर अगेन नॉट काउंटेड, 1 2 3 4, सिग्निफिकेंट फिगर्स विल बी 4. ये देखिए ये स्पेशल केस आ गया, मेजरमेंट से आ गया वैल्यू 400 मीटर, इसमें ये काउंट हो जाएंगी, सिग्निफिकेंट फिगर्स विल बी 3. नंबर 5 इसमें सारी नॉन जीरो डिजिट्स हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स विल बी 4, 1 2 3 4. इसमें देखिए डेसिमल के बाद वाला जीरो आ गया, काउंट हो जाएगा, 1 2 3 4 5, सिग्निफिकेंट फिगर्स विल बी 5. अगेन डेसिमल के बाद जीरोस आ रही हैं, विल बी काउंटेड, 1 2 3 4 5 6, सिग्निफिकेंट फिगर्स आर 6. अगेन सिमिलर केस है, इट इज सिग्निफिकेंट फिगर्स विल बी बेटा 5. देन प्रॉब्लम नंबर 9, पॉइंट नंबर 9, अगेन सेम टाइप का नंबर है, सिग्निफिकेंट फिगर्स 1 2 3 4 5 6. Then 1 2 3 4 will be the significant figures. This is the number less than 1. इसमें ये count नहीं होगा. Significant figures will be 3 only. Again number less than 1, significant figure will be 1 only. Again less than 1, ये count नहीं होंगी, ये होंगी. So this is significant figures will be 2. ये सारे का सारा number आपका जो है
इंडिकेट कर देता है, जब आप पॉइंट्स में कर लो लेस देन वन आ जाएगा नंबर, ओनली टू विल बी द सिग्निफिकेंट फिगर्स। और यहाँ पे वैसे ही नंबर वन से कम है, वन टू थ्री फोर विल बी द सिग्निफिकेंट फिगर्स। सो इन दिस मैनर बेटा आप अपने इस सिचुएशन में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स को बच्चों काउंट कर सकते हो। एक बार मैच कर लीजिए, चेक कर लीजिए, कोई पॉइंट आपको कंफ्यूजिंग लग रहा है तो मुझे बता दीजिए, आई विल बी रिपीटिंग दैट। सो डियर चिल्ड्रन, सारे स्टूडेंट्स एक बार देख लो, कोई दिक्कत, कोई मुश्किल, कोई रूल, कोई ऐसी बात अगर आपको नहीं पता चली, नहीं समझ आई तो जरूर बताइए, आई विल बी सॉल्विंग दैट, देन आई विल प्रोसीड अहेड बेटा। यस बेटे, सर 14 बता दो एक बड़ी, वो समझ नहीं आया। 14 देखिए बेटे, 10 की पावर माइनस 31, इसको सोचने का तरीका क्या है? माइनस 31 का मतलब है इसके डिनोमिनेटर में 10 के साथ 31 जीरोस हैं। अगर आप उसको अदरवाइज लिखोगे तो ये आ जाएगा पॉइंट 0000 30 बार 91। समझ आ रही है ना, माइनस 31 है तो दिस इज द नंबर प्योरली लेस देन वन। एक तरीका ये है, और दूसरा तरीका पावर्स को आप वैसे ही छोड़ दिया करते हैं, पावर्स को नहीं देखते हम, तो ये दीज आर द टू डिजिट्स ओनली। सो दिस इज हाउ वी कैन अप्लाई द सिचुएशन अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन, द रूल्स कैन बी अप्लाइड। क्लियर पुत्र? यस बेटा, ओके सर, ठीक है बेटे। सो आइए बेटे विद दिस, मैं हमारा जो नया इसके बाद कंसेप्ट है बेटा, राउंड ऑफ कैसे किया जाता है फिगर्स को, सिग्निफिकेंट फिगर्स को, उसके बारे में बात करेंगे। बट बिफोर दैट बेटे, एक मैं आपको बात बतानी चाहता था, हमारे डायमेंशनल एनालिसिस की लिमिटेशंस मुझे लग रहा है कि मैं आपको एक बार डिस्कस करना भूल गया हूँ, तो आई विल बी हैविंग दैट इन द एंड। कल आपका ये काम खत्म हो जाएगा तो एक बार मुझे याद दिला देना डायमेंशनल एनालिसिस की लिमिटेशंस क्या हैं, तो मैं 2 मिनट लगा दूंगा उस पे भी। आइए बेटा, इसके बाद मेरे पास बात आ जाती है, हमारा राउंड ऑफ हम कई बार कर दिया करते हैं, मोस्ट साइंटिफिक वे क्या है नंबर्स को राउंड ऑफ करने का, और राउंड ऑफ करने में कौन कौन से हमने बच्चों रूल अप्लाई करने हैं, लेट अस बेटे कंसेंट्रेट अपॉन दैट ऑल बेटे। सो डियर चिल्ड्रन, आप हेडिंग दे सकते हो राउंडिंग ऑफ, राउंडिंग ऑफ, कैसे राउंड ऑफ करना है हमने नंबर्स को, और कैसे हमने रूल्स कॉरस्पॉन्डिंग जो हैं उनका भी ध्यान रखना है। लेट अस कंसेंट्रेट बेटा। पहला रूल है, अगर आप कोई डिजिट ड्रॉप कर रहे हो और वो डिजिट लेस देन 5 है, तो उससे पहले वाला डिजिट जो है दैट इज लेफ्ट अनचेंज्ड बेटा। मैं लिखता हूं, साथ साथ समझाता हूं। इफ इन ए नंबर द डिजिट 2 बी ड्रॉप्ड is less than 5, comma, then the preceding digit is not changed. Example एक ले रहा हूं बेटा मैं, मान लीजिए नंबर है 6.5345 6, चलिए मैं यहां पे भी 4 ही लिख देता हूं। आप इसको लास्ट वाले नंबर को ड्रॉप करना चाहते हो, इसको आप छोड़ना चाहते हो, अकॉर्डिंग टू दिस रूल ये नंबर 5 से छोटा है, कम है, थोड़ा है, और इससे प्रीसीडिंग डिजिट का मतलब होता है पहले वाला डिजिट ये है। अगर ऐसी सिचुएशन हो, ये डिजिट आपका अनचेंज रहेगा, इसको हम नहीं बदलेंगे, तो राउंड ऑफ कर दीजिए आप इसको। राउंड ऑफ करोगे तो इट विल बी 6.5345 अगेन, 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स आपकी रह गई हैं इसमें अब,
आपने इसको छोड़ दिया है। ये आपका पहला रूल है बेटा। और दूसरा रूल है कि अगर ये नंबर 5 से बड़ा होता तो हमने इसको एक इंक्रीज कर देना था, 5 की जगह पे 6 ले जाना था। दिस इज योर सेकंड रूल। आइए मैं इसको भी लिखूं डिटेल में। सेकंड रूल इज बेटा, इफ ए डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज मोर देन 5, देन प्रीसीडिंग डिजिट इज रेज्ड बाई 1। यही एग्जाम्पल लूंगा मैं एक बार फिर से, नंबर थोड़ा बदल देता हूं। 6.5345, 4 की जगह मैंने 6 लिख दिया। 6 नंबर आपका बच्चों देखो 5 से बड़ा हो गया है। इस रूल के हिसाब से जब आप इसको ड्रॉप करोगे, इससे पहले वाला डिजिट आप एक इंक्रीज कर दोगे, तो एक इंक्रीज करके यहाँ पे 6 आ जाएगा बेटा। इट विल बी 6.5346। ये आपका राउंड ऑफ करने के बाद रिजल्ट आपको बच्चों मिल गया। बेटे दिव्या, सॉरी दिया, क्लियर है? यस सर। समझ आ रहा है सारा बेटा? यस सर। अंजलि? यस सर। वेरी नाइस बेटा। इश्नूर? बेटा इश्नूर? यस सर। बेटे सारा समझ आ रहा है साथ साथ? यस सर। रमनजीत, रोल नंबर 22 पुत्र, इज इट ऑल क्लियर? यस सर। चलिए बेटे आगे चलते हैं फिर। बेटे इसके बाद मेरा थर्ड रूल आ जाता है कि अगर आप कोई डिजिट ड्रॉप कर रहे हो 5 फॉलोड बाय अदर देन नॉन जीरो डिजिट्स, जैसे मैं आपको पहले एग्जांपल दे देता हूं फिर रूल लिख देता हूं बेटा। थर्ड है, मान लीजिए 7.3521 कुछ ऐसा नंबर है, आप 5 के बाद वाले डिजिट्स जो हैं ये वाले इनको छोड़ना चाहते हो सबको, ये वाले, या और आपको मैं और क्लियर कर दूं, आप इसको इसको छोड़ना चाहते हो 5 से आगे वाला सारा, ये वाला आप इसकी 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक ही वैल्यू रखना चाहते हो, आप मतलब कि एक ये और एक ये प्लेस तक ही अपना रिजल्ट कन्फाइन करना चाहते हैं, तो दैट मींस आपको 5211 सारा ड्रॉप करना पड़ेगा बेटा। अगर डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5 फॉलोड बाई नंबर्स अदर देन 0, अब 0 के बिना और नंबर्स आ गए ना, ये 0 से बड़े आ गए हैं, तो आपका प्रीसीडिंग डिजिट जो है दैट विल बी रेज्ड बाई 1। मैं अब लिखता हूं थोड़ा, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5 फॉलोड बाई नॉन जीरो डिजिट्स कॉमा देन प्रीसीडिंग डिजिट इज रेज्ड बाई 1, इसका 4 हो जाएगा यहां पे, सो 7.4 आप राउंड ऑफ करने के बाद इसको रिजल्ट को बोल सकते हो बेटा। ये तीसरा रूल था हमारा। लेकिन बच्चों सिचुएशन तब हमारी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है जब ये 5 के बाद जीरोज हो जाती हैं, तब हमारा रूल जो है ये बदल जाया करता है और हमें थोड़ा और इसमें एडिशन करना पड़ जाता है। आइए कंसंट्रेट करें बेटा, इस केस में फिर क्या होगा। फोर्थ वाला है मेरे पास, इफ द डिजिट टू बी
dropped. If the digit to be dropped is 5, followed by zeros, comma, then the preceding digit is raised by 1. If it is an odd number, this is very important rule beta. मैंने इसी example को pick कर लेना है, बस ये पीछे zeros लगा दूंगा, आपको समझ आ जाएगा अच्छे से. 7.3500 है, आप इसको drop करना चाहते हो, इससे पहले वाले digit पे focus करिए. अगर ये odd number है आप इसको 1 increase कर दोगे, मतलब even बना दोगे. अगर ये ऑलरेडी इवन है फिर कुछ नहीं करेंगे. ये अगला रूल है, मैं अगले नेक्स्ट रूल भी आपको बताऊंगा. फिर से ध्यान दीजिएगा, 5 फॉलोड बाई जीरोज आपके सामने है. अगर ये डिजिट ऑड नंबर है आप इसको 1 इंक्रीज करके इवन बना दोगे, और अगर ये ऑलरेडी इवन है तो कोई चेंज नहीं करना आपने, वो नेक्स्ट वाला रूल है. सो दिस विल बी 7.4 राउंड ऑफ करने के बाद. एंड नेक्स्ट बिटी रूल मेरे पास रूल नंबर 5 लास्ट रूल है राउंड ऑफ करने के लिए. लेट अस कंसंट्रेट अपॉन दिस बेटा. इफ फिफ्थ है, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5 फॉलोड by zeros, comma, then the preceding digit remains same if it is an even number. मैं लगभग वैसा ही एग्जांपल ले रहा हूं जो आप ऑलरेडी कर चुके हो. यहां मैं ऑलरेडी इसको बदल के लिख देता हूं. 7.6500 है. डियर चिल्ड्रन, अब आप ये नंबर को ड्रॉप करना चाहते हो, ये सारे का सारा. अब आप देखिए ये नंबर आपका ऑलरेडी इवन नंबर है, तो इवन नंबर है तो हमारा रूल कहता है हमने इसको नहीं बदलना, वी विल कीप इट एज सच. सो इट विल बी डियर स्टूडेंट्स 7.6 ओनली, हम नहीं बदलेंगे. अगर बच्चों ये 7 होता तो हमने 8 कर देना था. अगर ये आपका 9 होता फिर क्या होना था, 8.0 हो जाना था. अगर ये 5 होता 6 हो जाना था. अगर 3 होता 4 हो जाना था. अगर 1 होता 2 हो जाना था. मतलब आपने ऑड नंबर अगर यहां पे आपको दिखे उसको 1 इंक्रीज करके अगले वाला इवन नंबर ले जाओ, और अगर ये ऑलरेडी इवन है देन कोई चेंज नहीं करना आपने. आई होप आपको समझ आ गया होगा सारे बच्चों को. 5 रूल्स हैं ये हमारे. किसी भी स्टूडेंट को कोई भी बेटे बात पूछनी है तो बता दीजिए, मैं फिर आपको. यस बेटे, गुड, वेरी नाइस बेटे, वेरी नाइस टू सी यू ऑल एंड योर कमेंट्स. सारे बच्चों को अच्छे से समझ आ रहा है, दैट्स समथिंग वेरी नाइस बेटे. सो दो छोटी छोटी एग्जांपल्स बेटे राउंडिंग ऑफ की मैं आपके लिए लिख के लेके आया था. आइए मैं वो भी डिस्कस कर लूँ. वी हैव अ कपल ऑफ मिनट्स विद अस, सो आइए ये थोड़ा सा और कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए एक आधी एग्जाम्पल न्यूमेरिकल की फॉर्म में कर लें, देन वी विल बी प्रोसीडिंग विद अवर डिस्कशन अहेड बेटा. सो डियर चिल्ड्रन, ये मैं दो छोटे छोटे लिख के लाया था आपके लिए. यस, काफी हैं, दो नहीं है. पहला है 15.654 राउंड ऑफ
अप टू थ्री डिजिट्स बेटा, तीन डिजिट्स तक राउंड ऑफ करना है आपने। सेकंड इज 15.75, इसको भी तीन डिजिट्स तक राउंड ऑफ करिए। थर्ड है 15.654, इसको फोर डिजिट्स तक राउंड ऑफ करेंगे। फोर्थ है, दिस इज बेटा थर्ड, 1, 3, 2, 6, 6, 7, इसको पांच डिजिट्स तक आपने राउंड ऑफ करना है। एक में मिस कर गया बीच में से, ये फिफ्थ था आपका। फोर्थ इधर लिख देता हूं, फोर्थ जो मेरे पास लिखा पड़ा है मैंने 15.65 है, इसको तीन डिजिट्स तक करेंगे। सिक्स्थ वन इज बेटा 4.996, आई थिंक इट इज 6 इंटू 10 डेज पर 7, इसको तीन सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करेंगे। एंड देन वी हैव सेवंथ वन 0.7995, इसको वन सिग्निफिकेंट फिगर तक हम बेटा राउंड ऑफ करेंगे। सो आइए बेटा राउंड ऑफ करना स्टार्ट करें। तीन डिजिट्स तक जब आप इसको राउंड ऑफ करोगे, आप अपना करते जाइए, मैं करता हूं, मैच कर लेंगे बाद में। आप इतना छोड़ रहे हो तभी तीन डिजिट्स बचेंगे। दिस इज 5 फॉलोड बाय ये नंबर अदर देन 0, तो प्रोसीडिंग डिजिट विल बी रेज्ड बाय 1, 15.7 आ जाना चाहिए, राइट बेटा। तीन डिजिट्स तक आपको राउंड ऑफ करना है। दिस इज 5 फॉलोड बाय नथिंग, कुछ भी ना हो तो आप जीरोस अपनी तरफ से लगाएंगे नहीं, लेकिन समझ सकते हैं कि आपका ये जीरो ही होना चाहिए, लेकिन लगाना नहीं है, वो फिर काउंट हो जाएगा। तो ये आपका ऑड नंबर है, 15.8 हो जाएगा, आप इसको वन रेज कर दोगे। चार प्लेसेस तक राउंड ऑफ करोगे तो इसको छोड़ोगे, आप ड्रॉप करोगे। दिस नंबर इज लेस देन 5, तो इट विल बी 15.65 एज सच, कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि नंबर टू बी ड्रॉप्ड इज, और द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज लेस देन 5। इस केस में 1, 2, 3, 4, 5, 6 नंबर्स दिए हुए हैं, दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, इसको आप 1.326 and 6 and 7 इंटू 10 डेज पर 1, 2, 3, 4, 5 लिखोगे। अब आपने इसको पांच सिग्निफिकेंट फिगर्स तक करना बेटी, इसको समझना जरा, 1, 2, 3, 4, 5 आप इसको छोड़ोगे, ये नंबर ये डिजिट 5 से बड़ा है, इट विल बी इंक्रीज्ड बाय 1, ये आ जाएगा 1.3267 10 डेज पर 5 बेटे। आई होप डियर चिल्ड्रन, सारे बच्चों को ये क्लियर हो गया होगा, दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट पॉइंट। देन इधर आ जाइए, अब यू वॉन्ट टू राउंड ऑफ बाई ड्रॉपिंग दिस 5, इससे पहले ऑलरेडी इवन नंबर है, नो चेंज, 15.6 इट विल रिमेन। तीन डिजिट्स तक आप राउंड ऑफ करना चाहते हैं, तीन सिग्निफिकेंट फिगर्स तक, 1, 2, 3 आप इसको छोड़ोगे, ये नंबर जो आप छोड़ रहे हो इट इज मोर देन 5, ये एक बढ़ेगा, अगर ये एक बढ़ेगा तो ये जीरो हो जाएगा, कैरी होके आगे चला गया, 5.00 10 डेज पर 7 विल बी योर आंसर। इसमें आपको एक सिग्निफिकेंट फिगर तक रहना है, यू आर टू ड्रॉप दिस ऑल, 995 इट इज मोर देन 5, पहले वाला डिजिट एक इंक्रीज कर दोगे, इट विल बी 0.8। सो इन दिस मैनर आप अपना ये सारे का सारा बच्चों देख सकते हो, समझ सकते हो, सोच सकते हो। मुझे बता दीजिए सारे स्टूडेंट्स को क्लियर है, सो दैट हम फिर आगे नेक्स्ट टाइम स्टार्ट कर सकें। सर,
सर फिफ्थ करवा दो एक बार। हां जी बेटे, कौन सा? फिफ्थ। फिफ्थ वाला, वेरी नाइस। एक दो तीन चार पांच छह डिजिट्स हैं इसमें। अब आप अगर इसको छोड़ोगे पांच सिग्निफिकेंट फिगर्स तक रखने के लिए, तो आपका नंबर जो है वो 10 times छोटा हो जाएगा। वी कैन नॉट अफोर्ड इट। हमने नंबर का पैटर्न थोड़ी बदल देना है, कहाँ 10,000 है कहाँ 1,000 है, हम 10 times कम नहीं कर सकते। हमने पहले उसको साइंटिफिक वे में लिखा, 1.32667 आपको याद होगा हमने वो क्या लिखा था, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड वाली बात याद है ना, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिखा हमने। अब आप इस 7 को छोड़ोगे तभी पांच सिग्निफिकेंट फिगर्स रहेंगी। 7 इज टू बी ड्रॉप एंड इट इज मोर देन 5, इससे पहले वाला डिजिट आपका एक बढ़ जाएगा। दैट्स इट बेटा। डियर चिल्ड्रन समझ आ गया? किसी बच्चे ने पूछा था, आई कुड नॉट रिकॉग्नाइज, मुझे पता नहीं। सर। हाँ जी पुत्र। सर आ गया सर। ओके ओके ओके, वेरी नाइस बेटा। सो बेटे विद दिस ऑल आई एंड द पीरियड ओवर हियर बेटा। So next time we will be meeting with this concept and much more ahead. So thank you all. Thumbs up from my side to you all, beta. Thank you, beta.